के आग से फूलों ने गुलशन को बचाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। हमारे भूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। सितमगर के लिए जो मौत ये जर्री जवान ठहरे। इन्हीं की जुर्रतों ने कौम को यकजा बनाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान सरगोधा से खसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हम भूले नहीं। प्रोड्यूसर मोहम्मद जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास अवान। इस सिलसिले में आमिर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोधा कैंट के असातिज़ा और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आज हम 16 दिसंबर को कौमी अज़्मे तालीम के दिन के तौर पर पेश कर रहे हैं। हर कौम की ज़िंदगी में कुछ बहुत कठिन दिन आते हैं। हमारी कौमी ज़िंदगी जो 76 सालों पर मुहित है, इसमें बहुत से दिन ऐसे आए जहां बकौल फैस थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबा रातों के बाद। लेकिन 16 दिसंबर का दिन सकूते ढाका के बाद बहुत कठिन था कि ना फ़ौज की फ़ौज से लड़ाई थी, ना आवाम और हुकूमत का कोई झगड़ा था। ये तो मासूम फूलों के जनाजे थे जिनको उठाना हर साहिब दिल और साहिब औलाद पर गिना था। उस दिन से हमने सीखा कि दुश्मन तो हमारे उन बेदस्तों पाप बच्चों से भी खौफजदा है जिन्होंने अभी कलम उठाया ही था। लेकिन याद रखिए कि जब वो कलम को अपनी पूरी इल्मी कुव्वत के साथ पकड़ लेंगे तो दुश्मन की सरहदों पर ही नहीं, उनके कल्प पर ही खौफ तारी हो जाएगा। उस दिन से हमने सीखा कि हमारी कौम की सबसे बड़ी ज़रूरत इल्म है। उसी दिन से हमने अज़्म कर रखा है कि हम इल्म की इस ताकत को इतना बढ़ाएं कि ये ताकत हमारा हिसार बन जाए। इल्म एक नूर है जो ना सिर्फ इंसान की शख्सियत को मुनव्वर करता है बल्कि पूरी कौम की ज़िंदगी को ज़िंदगी से भर देता है। महफिल का आगाज़ कुरान हकीम की आयात की तलावत से करते हैं। मैं दावत दूंगी खदीजा अमीन को, जो इस वक्त सरगोधा यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तालीम हासिल कर रही हैं। मैं दावत दूंगी इनको कि वो आएं और तलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरज़कून। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم على خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ترجمہ: जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा हैं और इनको रिस्क मिल रहा है। जो अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके
इनकी निस्बत खुशियाँ मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको ना खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे और अल्लाह के इनामात और फ़ज़ल से खुश हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अज्र ज़ाया नहीं करता। सदकुता या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खदीजा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अल्लाह ने हम पे जो सबसे बड़ा एहसान किया है वो ज़ाते मुस्तफ़ा का इस रूए ज़मीन पर नज़ूल है। आपने जब सरज़मीन मक्का पर कदम रखा तो वो मक्का जो शिर्क जैसी निजासत से आलूदा था मेरे हजूर के कदमों के लम्स से मक्का मुकरमा बन गया। बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। नातिया कलाम के लिए मैं दावत दूंगी नायाब ज़हरा को, जो कई नातिया मुकाबलों में अपने वालदैन और अपने इदारे का नाम रोशन कर चुकी हैं। जी नायाब ज़हरा। मेरा पयंबर अजीम तर है, कमाल खलाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अजमत बशर है। मेरा पयंबर अजीम तर है, वो शर्ह काम में हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नज़ारा है खुद नज़र है। मेरा पयंबर अजीम तर है, वो बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ोहदे ईसा से कोसो आगे, जो सब की मंजिल वो उसका जादा, हर एक पैगंबर ने हाँ है उसमें, हजूम में पैगंबरा है उसमें, वही तो सुल्तान बहरोबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबते अपनी जान पर ले, जो तेग जन से लड़े निहत्ता, जो गालिबा कर भी सुलह कर ले, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है सादिक है मोहतबर है। मेरा पयंबर अजीम तर है, कमाल खलाक ज़ात उसकी,
जमाल हस्ती हयात उसकी बशर नहीं अज़मत बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। जज़ाकअल्लाह नाया। नफ़रत को काटता हूँ मोहब्बत के रूप में, मैं छाँव बो रहा हूँ बड़ी सख्त धूप में। अब मैं मधु करती हूँ मोहम्मद तकी सारिब को, जिनका ताल्लुक तहम जमात से है। मोहम्मद तकी का लहजा, दलाइल और अज़्म इस बात की कमाजी करते हैं कि हम अपने बच्चों की पर्दाख्त और तरबियत नहायत आला इल्मी खतूत पर करने की कोशिश करते हैं। जी मोहम्मद तकी सारिब। डियर लिसनर्स, टुडे ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योम कौमी अज़्म तालीम, आई मोहम्मद तकी सारिब, student of Army Public School and College Sargodha, would be revering and commemorating the importance of this memorable occasion. The day when the enemy wanted the darkness to prevail and assail us. He wanted us to subdue in front of hostility and brutality. He wanted us to fear martyrdom, which is the ultimate goal of all the true believers. He wanted us to put on the coffin we are never frightened of. He never knew that we are the true superheroes who need not any graphic animation to exhibit the superpowers, as we are already equipped with the light of education. As in our common knowledge, Pakistan reveres its National Education Day on 16th of December. In old times, people were ignorant and illiterate and were engaged in cruelty, superstition, and a lot more social events to name. Their tyranny stretched to the extremes that they buried their own daughters alive. Women had no status in society and were treated ill. Allah Rabbul Izzat raised His Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amongst them, who led them to the enlightenment through the light of education. Education is a great blessing in life and is a dire necessity. Education not only means acquiring knowledge, but to strive for your cause and your nation till death. Hame dunya se kya matlab, sukoon apna watan hoga. Hame dunya se kya matlab, sukoon apna watan hoga. किताबों में दफन होंगे, वरक अपना कफन होगा। और होली प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सीकिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड, विदाउट एजुकेशन इट इज़ कम्प्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज़ लाइट। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू आवर नेशन। द वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट दैट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट योरसेल्फ्स, यू विल बी नॉट ओनली कम्प्लीटली लेफ्ट बिहाइंड but will be finished up. Education is the basic right of all human beings. It also forms the backbone of a strong and informed society. Education helps us to be aware of our surroundings, our lives, and our society. It helps us to gain knowledge, learn lessons, and turn the lessons into actions that can in turn help us to walk the path towards success. An educated and informed citizen of a country is an ideal citizen, as he or she will think and work towards a better future for themselves and also for the world and their nation. National Education Day is celebrated every year to understand the importance of education and how we can work towards making education a priority and easily accessible for all. Moreover, it is revered to pay tribute to the martyrs of APS Peshawar, the innocent souls who sacrificed their today for our better tomorrow, who stood strong against the odds of life and embraced death with smiling faces and open arms. In conclusion, I would say that acquiring knowledge perhaps does not mean to achieve a degree from a school, college or a university, but to shape one's life and build an urge of patriotism and the will to strive for the betterment of the nation. Education is indeed a jewel which enhances man's character. I would conclude my speech with the following quote of Malcolm X. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs only to the people who prepare for it today. Thank you very much. जज़ाकअल्लाह मोहम्मद तकी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं दावत देती हूँ अबीहा मकसूद को, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में दुश्मन की चाल को मोहब्बत, अकूवत और इल्म की शमा से रोशन करती नज़र आती हैं। अभी रहता है हर दिल में न मासूमों का गम भूले, न माँ भूली है बच्चों को, न गम उनका है हम भूले।
थे देखे जख्म जो हमने लगे अपने गुलाबों पर, लहू के थे निशा कितने पड़े दिल की किताबों पर, करे ना साजिशें फिर से नशर फैला सके कोई, जो सोचे इल्म रखती हूँ न फिर बहका सके कोई। चलेगा चाल दुश्मन जो उसे नाकाम बनाना है, दुश्मन का काम है भटकाना मंजिल से दूर हटाना है, हमारा है यही मकसद हमें आगे ही जाना है, हमें आगे ही जाना है। चलेगा चाल दुश्मन जो उसे नाकाम बनाना है, दुश्मन का काम है भटकाना मंजिल से दूर हटाना है। वो यादें सुर्ख हैं जब इल्म का हमने लहू देखा, वो यादें सुर्ख हैं जब इल्म का हमने लहू देखा, था निकला इल्म का सूरज वही हमने तलू देखा, जो तारीकी से निकला है वो दिन रोशन रहेगा, अब जो मासूमों से हारा है अंधेरा क्या करेगा अब। चलेगा चाल दुश्मन जो उसे नाकाम बनाना है, दुश्मन का काम है भटकाना मंजिल से दूर हटाना है, हमारा है यही मकसद हमें आगे ही जाना है, हमें आगे ही जाना है। चलेगा चाल दुश्मन जो उसे नाकाम बनाना है। जज़ाकअल्लाह अबीहा। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यौम कौमी अज़्म तालीम के हवाले से तालीम और तरबियत की अहमियत पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शोबे उर्दू आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोधा कैंट, मोहतरम सर नवीद अब्बास। अरसा 6 साल से दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। आप सरगोधा यूनिवर्सिटी के एमफिल स्कॉलर हैं, न्यूज़ रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम दानिश कदा में 2012 से शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 16 दिसंबर के शहदा को आप किन अल्फाज में खराज अकीदत देना पसंद करेंगे? मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर हुई थी 16 दिसंबर को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की जो मुकद्दस फ़ौज है वो मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़त कर रही है, इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोधा कैंट पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बच्चों की नज़रियाती सरहदों का मुहाफिज है। आर्मी कॉलेज सरगोधा कैंट शहदा जिस दिन बच्चे शहीद हुए हैं 16 दिसंबर, 17 दिसंबर को अज़्म और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए हमने अपने इदारे में दरस व तदरीस के हवाले से तदरीसी सरगर्मियां जारी रखी, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है दुश्मन की। जिस तरह दुश्मन ने 71 में हमें एक हमारा बाजू अलग किया, ये जो 16 दिसंबर 2014 का वाक़ हुआ इसने पूरी कौम को जोड़ के रख दिया। ये बहुत बड़ी जो है इस मुल्क के मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की मिसाल है 16 दिसंबर। इन फूल जैसे बच्चों ने हमें मुत्तहिद करके रख दिया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा किया, और इन बच्चों के मुकद्दस लहू की बदौलत आज पूरे मुल्क में इल्म व अदब की शमें रोशन हैं। तो ये बहुत बड़ी दुश्मन की शिकस्त थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में अज़्म में मुकम्मल तौर पर भरपूर कामयाब हैं। जज़ाकअल्लाह सर। सर, मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत के बारे में हमारे सामईन को कुछ आगाही दें कि तालीम बतौर डिग्री अहमियत रखती है या तरबियत का कोई अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में? जी, तालीम के हवाले से डिग्रियां तो सब ले लेते हैं, लेकिन तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें वर्क करने की, काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह तालीम के हवाले से लोग करते हैं नसाबी ज़रूरत के तहत, उन्होंने कुछ नसाब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुआशरे में अमली तौर पर वो काम नहीं करते। जिस तरह अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जब तक हम अमली तौर पर काम नहीं करेंगे, मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करेंगे, एक उस्ताद का हज़ारों लेक्चर एक तरफ और उसका एक ज़ाती अमल
वो पूरे उसके लेक्चर पर हावी हो जाएगा। अगर कोई उस्ताद अपने ज़ाती किरदार से कोई अमल करेगा तो उसके बच्चों के लिए मशाले शमा होगी और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये डिग्री हासिल करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्ज़ी मेयारात कायम कर लें, जब तक तालिब इल्मों के अंदर तालीम व तरबियत के हवाले से शऊर नहीं आएगा, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हमारे मुआशरे में वालदैन का किरदार है, हमारे असातिज़ा इकराम का किरदार है। उसके लिए ख़ासी कोशिश कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह सर। सर, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो सर, तालीम याफ्ता माएँ कितनी ज़रूरी हैं और क्या किरदार अदा कर सकती हैं मुआशरे की तालीम साजी में? जी देखिए मैडम, जिस तरह एक माँ अगर तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो माँ जो है वो पूरी नस्ल को आगे संवारेगी और उसकी सारी नस्ल जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगी और वो सारा ख़ानदान शऊर रखेगा। अकल, फ़हम, फरासत, ये सारी चीज़ें माओं की तरफ से होती है। जिस तरह माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, तो इसी तरह बच्चा माँ के साथ ज़्यादा उसकी एफिलिएशन होती है, जुड़त होती है। इस वजह से, माँ की वजह से बच्चे के अंदर तालीम तरबियत, उठने बैठने का ढंग, सलीका, सारी चीज़ें आती हैं। जज़ाकअल्लाह सर। मैं दावत दूंगी मवाहिब मज़हर को कि वो यौम कौमी अज़्म तालीम का इजहार एक खूबसूरत नगमे की सूरत में करें। इल्म के रस्ते पे चलना चाहती हूँ, रोशनी की सिमत बढ़ना चाहती हूँ, मैं किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ, नित नए ख्वाब को लिखना चाहती हूँ, नहीं जो बदला बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के चलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। उड़ेगी उड़ेगी हवाओं में उड़ेगी, चमकेगी चमकेगी मेरी बेटी चमकेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी मेरी बेटी, पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी मेरी बेटी, पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी। ये कलम से वर है मेरा और बस्ता घर मेरा, ये कलम बस्ता ही बदले गा ज़मीनो आसमां, इल्म की शम में जलेंगी कहकशादर कहकशां, और ज़माना फ़ख्र से ये लिखेगा मेरी दास्तां, लिखेगी लिखेगी मेरी बेटी लिखेगी, अज़्मो हौसले की दास्तां लिखेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी मेरी बेटी, पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी मेरी बेटी, पढ़ेगी मेरी बेटी पढ़ेगी, मजबूत बहुत मजबूत बनेगी। जज़ाकअल्लाह मवाहिब। 16 दिसंबर का ये दिन APS के तलबा के नाम। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। बहुत से सितारों को आप जानते होंगे कि जिन्होंने अपने इल्म से इस दुनिया को रोशन व मुनव्वर किया, मगर मैं जिन हस्तियों को आपसे मुतारिफ़ करवाने जा रही हूँ वो ना सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल इन क्वाली सरगुदा कैंट के आला व मोतबर तालिब इल्म हैं, बल्कि स्कूल की तमाम नसाबी व हम नसाबी सरगर्मियों में सर फहरिस्त रहे।
हमगीर शख्सियत के मालिक रहे कि जो कोई भी उनसे एक दफ़ा मिल ले वो इनका गर्विदा हो जाता है। हाल ही में जिन तलबा ने MDCAT में नुमाया कामयाबी हासिल करके आला तालीमी इदारों में दाखिला लिया है उनका तारुफ कुछ यूँ है। नबीहा सुहेल, नबीहा फातमा, मोहम्मद हसन बिन खालिद और उस्मान एजाज ने एजाजी नंबरों के साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया और अपने इदारे का नाम रोशन किया। अदन सिद्दीक ने अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और नूरुल हुदा ने फातमा जना मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया, जबकि अली हसन सिद्दीक ने पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला हासिल करके हमारे इदारे का नाम रोशन किया। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। मिली नगमे कौम मुल्क से वालेहाना मोहब्बत के इजहार का ज़रिया होते हैं। APS सरगोधा कैंट के तालिब इल्म एजाजुल हसन अपनी खूबसूरत आवाज़ में पाकिस्तान के हर दिल की आवाज़ बनकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। जी एजाज। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाही है ये कसम, खाही है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, है वतन ये सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासीबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, है वतन ये सदा। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, है वतन ये सदा। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकअल्लाह एजाज। शायर मशरिक, नबाज़ फितरत और हकीमुल उम्मत का जिक्र अगर तालीम के हवाले से ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। सर नवीद अब्बास, आप रहनुमाई फरमाएं कि नौजवानों की तालीम और तरबियत के हवाले से इकबाल क्या फरमाते हैं। हज़रत इकबाल ने एक रुबाई के हवाले से बता दूं, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। हज़रत इकबाल तालीम व तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी शायरी है। इसमें एक शेर, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। जज़ाकअल्लाह सर। सामईने कराम, सच पूछें तो खौफ नाकामी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि नाकाम होने से पहले आप कम से कम कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक खौफ सदा इंसान तो कोशिश भी नहीं करता। उसका सबसे आसान हल ये है कि मखलूक के खौफ को बदल लें अपने खालिक के खौफ से, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने खुदा से डरता है तो खुदा दूसरी चीज़ों से इंसान को रुसवा नहीं होने देता। मैं महविश और वर्दा को दावत दूंगी कि वो नून मीम राशिद की नज़म तुम अभी से डरते हो तहतुल लफ्ज़ में पेश करें। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो,
आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ताए आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो, हे चारजूमंदी, ये शबे जबाबंदी है, रहे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशां बनकर, नूर की जबां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अजां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फ़र्द की नवाई, ज़ात की सदा आई। राहे शौक में जैसे राहरो का खून लपके, एक नया जुनू लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जज़ाकअल्लाह मेरे सरवरदा। सर नवीद, 16 दिसंबर के वाक़े के हवाले से APS के तलबा में कोई डर या खौफ की फ़िज़ा महसूस की, या इस सवाल को यूं कर लेते हैं, आर्मी कॉलेज सरगोधा कैंट किस तरह तलबा की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहा है? जी, फूलों के शहर में, फूलों के मौसम में, फूल जैसे बच्चों को शहीद करके दुश्मन ने ये समझा कि अब ये कौम या तालीम से बिल्कुल आरी हो जाएगी, ये तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं होगी, लेकिन 16 दिसंबर के वाक़े ने इस कौम को मुत्तहिद कर दिया, पूरी कौम को जोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह APS सरगोधा ने 17 दिसंबर को स्कूल खोलकर दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया, और हमारे यहाँ तालीम और तरबियत का जो अज़्म है वो जारी रहा। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोधा कैंट बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस मुकद्दस इदारे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के अमीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी कॉलेज सरगोधा कैंट मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का अमीन है। पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने वाली है वो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज के बच्चे यहाँ पर हमारे पास पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी तालीम तरबियत के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं, और इसका मुंह बोलता सबूत है हमारे बच्चों का। जैसे कि आप अभी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला हुआ है, हमारे बच्चे मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारी बेटियां भी बेटों के शाना बशाना जो है मुल्क कौम की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही हैं। जज़ाकअल्लाह सर। APS पेशावर का वाक़या हो, कश्मीर की सूरत हाल हो, या फ़लस्तीन के अलमनाक हादसात, हम सब मुसलमान ऐसे जिस्म की मानिंद हैं जिसके एक हिस्से में दर्द हो तो अजियत पूरे जिस्म को पहुंचती है। मैं दावत दूंगी हुमैरा को कि वो हर मज़लूम की पुकार आवाम के कानों तक पहुंचाएं। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा ना लबों पर लाया था, शिकवा ना लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं, ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा।
खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, बेरोज को चल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे जब रूह के जख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। जज़ाक अल्लाह मेरा। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। मैं ईमान को दावत दूंगी वो इस दिन के हवाले से अज़्मे तालीम की अहमियत पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ladies and gentlemen, today I, Iman Afzal, is here to reflect on a profound tragedy, the APS Peshawar incident. Despite the darkness that descended upon us that day, let us find strength in the resilience and unity that emerged from this ordeal. Education is the treasure. It is the soul of a society. As it passes from one generation to another, I shall recall my ancestors who changed the course of mind of people with their philosophies. I can become Socrates, I can become Galileo, I can become Karni, Sadi and Shirazi. And when I realized that education is a movement from darkness to light, I am ready to become Rashid bin Haas. I am ready to become Lalak Jan, Major Aziz Bhatti Shaheed, and I am ready to become martyr of APS Peshawar. The history of Pakistan has buried many events that reflected the picture of Qaid, the vision of Iqbal, and the philosophy of Sir Sayyid Ahmed Khan. The morning when mother wakes her child up, his father drops him off to the school and he walks to his class with the hope and determination of becoming a doctor, becoming an engineer, or a scientist or a teacher. The hope of Shahzad Alam of becoming a civil servant, Mubin Shah to top the exams, Emil Khan to become an engineer, and Hamza Kamran to become a lawyer. It was all for the prosperity of the country. Every step they took towards learning was a step towards the prosper Pakistan. And what I learned from them is that those who oppose education are the enemies of humanity. And that if enemy stands in front of me holding weapons in his hands in form of my death, he can cause my body to die, but not the determination that prevails within me as the determination of those martyrs. The thing is that we can't bring them back to life, but we can, for sure, grow the same flowers and water them with the knowledge. We need to anchor ourselves against the tactics of the enemies. They tried to attack our education system. We shall answer them by building more number of schools and colleges. They attacked our teachers. We shall spread more knowledge among each other. They attacked our students. We shall send more children to study. They'll fight with bombs and explosives. We shall fight with pen and our knowledge. And I would like to add a phrase here, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। Through this tragedy, a resilient community will emerge, demonstrating that even in the darkest hours, the bonds that unite us are unbreakable. The heroes will emerge from the chaos. The brave teachers will shield their students. The security forces will respond swiftly, and the community will stand shoulder to shoulder, refusing to be defeated. In the aftermath of APS Peshawar, we will witness a nation coming together to heal and rebuild. Schools will become a symbol of hope and education and a beacon of resilience. The community that joins hand together in solidarity will reaffirm that in the face of terror, the world stands united. Today, let us honor the memory of those we lost by renewing our commitment to peace, education and the values that bind us. May the legacy of APS Peshawar inspire us to build a world where every child can pursue knowledge without any fear and where the triumph of humanity prevails over the forces of darkness. I thank you all for your precious time. Mera paigham mohabbat hai jahan tak pahunche. Jazakallah Iman.
किरण APS सरगोधा कैंट के तालिब इल्म की हैसियत से इल्म से मोहब्बत और अकीदत के जज्बात का इजहार नज़्म APS के तालिब इल्म का ईमान की सूरत में तहतुल्लस में पेश करना चाह रही हैं। इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। मेरे रब का ये फरमान है और मेरा ये ईमान है, इल्म मोमिन की मीरास है। मोमिन भी मुझको बनना है, मीरास भी हासिल करनी है। जहाँ मिलेगी जिससे मिलेगी ये मेरी ही विरासत है। ये मेरे नबी की नसीहत है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। मुसलमान मर्द हो या औरत हो, तहसील इल्म की बड़ी फर्जियत है। दिसंबर की तलख यादों को, गुमराही के अंधेरों को मुझे इल्म से रोशन करना है। मुझे कागज़ कलम से नस्बत है और इससे बहुत अकीदत है। मौदते इल्म की चाहत में मुझे महद से लहद तक जीना है। इल्म सीखूंगा तो हिकमत है और सिखलाने में सदका है। नबियों का वारिस बनना है। कदूरते इल्म के बदले में सखावते इल्म फैलानी है। जैसे चांद की फजीलत सितारों पर, वैसे आलिम की है आबिद पर। मनफियते इल्म की चाहत में दिन रात दुआएं करता हूँ। मेरी तन्हाइयों का साथी हो, हादी दोस्त गमखौर बने। मेरी कुवत ताकत मार्फत सब इल्म की बदौलत हो। मेरी बीनाई मेरी ज़िंदगी सब इल्म की वसातत हो। मुझे इल्म की राह में मौत आए, इस मुसाफत में ही शहादत हो। ये मेरे नबी की नसीहत है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। जज़ाकअल्लाह किरण। अब मैं दावा दूंगी अरीशा को, जो इल्म के हवाले से अपने जज्बात का इजहार करेंगी। सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। इल्म एक लाजवाब दौलत है, इसे जितना खर्च करें उतना ही बढ़ता जाता है। एक ऐसा चश्मा है कि सारी दुनिया भी इससे सैर हो जाए तो किसी का पेट नहीं भरता। रेल से हवाई जहाज़ तक, रेडियो से कंप्यूटर तक, टेलीफोन से मोबाइल तक, ये सब इसी इल्म की बदौलत ही तो है। जहाँ में चार सू इल्म व अमल की फरमा रवाई है, जहाँ में चार सू इल्म व अमल की फरमा रवाई है जो सच पूछो तो नीचे इल्म ऊपर खुदाई है। अगर इल्म ना होता तो जिंदगी के हर शोबे पर जहालत की धूल चढ़ी रहती। वतन के जोरे बाजू पर तरक्की की आला मिसाल कायम करनी है। इल्म की एक हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज पर अपने नाम के धब्बे लगाती है और ऐलान करती है, मेरे हाथ में कलम मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्रे आलम तुझे ज़ात अपनी डर का, मुझे फ़िक्रे आलम तुझे अपनी ज़ात का डर, मैं तुलू हो रही हूँ तू हरूब होने वाला। सजाई वकार, अभी हमें अज़म करना होगा कि अब हमें तालीम के सिपाही बनकर, जाबिर बिन अहयान और अलेक्जेंडर ग्राम बेल बनकर दूसरों के काम आना है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन ईजाद करनी है और दुनिया में तहलका मचा देना है। और अब अज़्म करना होगा कि मिलकर इस इल्म की बदौलत अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। जब काफिला अज़्म और यकीन से निकलेगा, जब काफिला अज़्म और यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह अरीशा। पाकीज़ा APS सरगोधा की हर दिल अज़ीज़ शायरा हैं, जो बड़े एतमाद से हमेशा अपने जज्बात का इजहार शायरी में करती हैं। 16 दिसंबर के हवाले से अपनी शायरी पेश करेंगी। इस इल्म के बारे में हदीसे नबी है, मैं इल्म का शहर और दरे इल्म अली है। ए नबी अपने परवरदिगार का नाम लेके पढ़, कुरान में रब ने यही बात कही है। इल्म वो कि इकबाल ने भी जिसको कहा है, शहदों में जो शहद मीठा है वो यही है। वो इल्म कि जिस पर कायद ने फरमाया, तलवार से जो तेज़ है वो यही है। इस सानहे ने तालीम में जो दहशत डाली, फजूल डाली, जिस सीढ़ी को गिराना चाहा वो सीढ़ी तो खड़ी है। इस सानहे से जुल्मत बिखर गई है, इस सानहे से तालीम और निखर गई है। इस इल्म की इतनी फजीलत है क्या बताऊँ, इस हकीकत से पर्दा उठाकर दिखाऊँ। ये इल्म इकबाल को इकबाल दिखाता है, ये इल्म मुस्लिम को मोमिन बनाता है,
ये इल्म डूबती काया को तोहफा से निकालता है, ये इल्म सिरात मुस्तकीम है, भटकों को सीधी राह पे लाता है। ये इल्म अगर गहराई में चला जाए, ये इल्म फिर खुदा से मिलवाता है। तू ही बता क्या काफिर ये सभी चाहता है। 16 दिसंबर इस बात की आगाही देता है, इल्म के हक में गवाही देता है। हसूल इल्म एक इबादत है, मर जाना इसमें शहादत है। उस्ताद पढ़ाने आएंगे और बच्चे पढ़ने आएंगे, कोई रोक सकता है अगर तलवार से, ये कलम से लड़ने आएंगे। इस तालीम को मात नहीं, बंदूक में दहशत है अगर, पर कलम वाली बात नहीं। इल्म तो रोशन सवेरा है, इल्म कोई अंधेरी रात नहीं। ये इल्म मेरास है पैगंबरों की, बदल जाती है इससे किस्मत कलंदरों की। ए मेरे कमज़ोर दुश्मन, तो मुझको ख़त्म करना चाहता है, खून की स्याही में रंगना चाहता है। समझता है तालिब इल्म झुक जाएगा, समझता है हसूल इल्म रुक जाएगा। तू सुन ले तो ये तेरा ख्वाब है, और ख्वाब हसरत में बदल जाएगा। हम अगर मर जाएंगे तो ख़ुद से और 10 खड़े कर जाएंगे। इल्म निखरेगा निखरेगा निखरेगा, तू बिखरेगा बिखरेगा बिखरेगा। जज़ाकअल्लाह पाकीज़ा। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, हर एक चराग कई आंधियों पे भारी हो। दुआ के लिए मैं बुलाऊंगी सजल सहरीन को। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों हम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती के झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नज़र डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जज़ाकअल्लाह सजल। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं प्रिंसिपल रिटायर्ड ब्रिगेडियर जवाद अहमद ज़का 3 एयर डिफेंस रेडियो पाकिस्तान सरगोधा की इंतज़ामिया की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोधा कैंट के असातिज़ा और तलबा तालबात को मदु किया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। इन मौजूद तलबा तालबात की गुफ्तगु से आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में न सिर्फ तलबा तालबात की तालीमी नशोनुमा पर तवज्जो दी जाती है, बल्कि उनकी जहनी, फ़िक्री, इखलाकी और समाजी नशोनुमा पर भी असासा और इंसामिया की मुकम्मल तवज्जो रहती है। खुदा करे कि हमारे मुल्क का हर इदारा इसी तरह मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा शामिल करे, आमीन। मैं आखिर में पाक फ़ौज को खराज अकीदत पेश करती हूँ, जो हर महाज पर मुल्क के दिफा के लिए हर दम सरगर्म रहती है। हर उस माँ को खराज अकीदत पेश करती हूँ जो अपने बच्चों को पाक फ़ौज में भेजना अपने लिए बायस फ़ख्र समझती हैं। खुदा आपका हामी व नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, आर्मी पब्लिक स्कूल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चितन के आग से फूलों ने गुलशन को
को बचाया है, मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे, सितमगर के लिए जो मौत ये जर्री जवान ठहरे, इन्हीं की जुर्रतों ने कौम को यकजा बनाया है। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया